नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इन दिनों ईरान में हिजाब विवाद गरमाया हुआ है। माशा अमीनी की मौत के बाद ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं भारत में भी ईरान की महिलाओं के समर्थन में आवाज उठना शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हिजाब को लेकर ईरान में बगावत की सुर उठना शुरू हो गई। ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर गयी और धरना प्रदर्शन कर रही। ईरान में जगह जगह महिलाएं एंटी हिजाब कैंपेन चला रही। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने तो अपने बाल भी काट लिए। उनकी आंखों में गुस्सा है और अपने अधिकारों को हासिल करने का जुनून किया। महिलाएं हिजाब पर सख्त कानून की मांग कर रही। दरअसल ईरान पुलिस ने 22 साल की मजहा अमीनी को बिना हिजाब के राजधानी तेहरान में घूमने पर गिरफ्तार किया। अरेस्ट होने के कुछ देर बाद ही वो कोमा में चली गई और 3 दिन बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद से ही ईरान की महिलाओं में आक्रोश है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने बाल काट लिए और हिजाब को आग के हवाले कर दिया और अब एंटी हिजाब मूवमेंट के माध्यम से वो अपने अधिकारों की मांग कर रही। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि कितने देशों में हिजाब अनिवार्य है। दुनिया के 195 देशों में से 57 मुस्लिम देश। 8 में शरिया कानून का होता है सख्ती से पालन। सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान में हिजाब अनिवार्य। ईरान में हिजाब का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान। 74 कोड़े लगाने से लेकर 16 साल की जेल होने का प्रावधान। ईरान की 72% आबादी हिजाब के खिलाफ। ईरान से शुरू एंटी हिजाब क्रांति की गूंज अब भारत में भी सुनाई देने लगी है। यूपी के वाराणसी में ईरानी महिलाओं के समर्थन में आवाज उठना शुरू हो गया है। इन महिलाओं ने हिजाब पहनने की बंदिशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रही है। उनका कहना है कि महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस चुनने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों ने मजहब के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को पेड़ियों में बांध रखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिजाब पर कठोर कानून वाले ईरान में महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की पेड़ियों से मुक्ति मिलेगी? क्या भारत में भी हिजाब के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट।